जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया में लागू हो रहा था, पूरे भारतवर्ष में ये नियम लागू हो चुका था, और उसके परिणाम स्वरूप ये जब जो रद्द हुई है ये ऑल ओवर पूरे भारत के लिए लागू होगा, और उस प्रकार से बीएड के अभ्यर्थी जो है लेवल वन के लिए पूरे भारत में कहीं भी लागू नहीं हो पाएंगे। अपडेट का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। जोधपुर रीट लेवल प्रथम में बीएड धारियों को शामिल करने का मामला, बीएड डिग्री धारी को योग्य नहीं माना गया है। अदालत ने बीएड डिग्री धारी का रिजल्ट निरस्त करने के लिए आदेश दे दिए हैं। केवल बीएसटीसी को ही योग्य माना गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सबकी निगाहें टिकी हुई थी आज आने वाले अदालती फैसले पर। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, रीट लेवल प्रथम में बीएड धारियों को शामिल करने का जो मामला, तो बीएड डिग्री धारियों को योग्य नहीं माना गया है। अदालत ने बीएड डिग्री धारी का रिजल्ट जो निरस्त कर देने के आदेश दिए हैं, केवल बीएसटीसी को ही योग्य माना गया है। भवानी बाड़ी हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। भवानी, तस्वीरें भी दिखाई और लगातार ये बताइए कि कैसी अदालती कार्यवाही रही और कैसा इस वक्त माहौल है अदालती फैसले के बाद। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, बीएसटीसी जो अभ्यर्थी है वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे और बीएडधारी जो डिग्रीधारी लोग हैं, अभ्यर्थी है, उनको बाहर करने की मांग कर रहे थे। अदालत में डे टू डे हेयरिंग हुई थी। हेयरिंग के बाद में आज सुबह से ही विस्तृत रूप से एक फैसला लिखाया गया और उसके बाद में केवल बीएसटीसी जो अभ्यर्थी है उसको ही रीट लेवल प्रथम के लिए योग्य माना गया है। मेरे साथ में जो अधिवक्ता है हनुमान सिंह चौधरी, वो मौजूद है। किस तरह का फैसला रहा और क्या इसमें मांग थी, जिस तरह से एनसीटी का नोटिफिकेशन था उसको भी चैलेंज किया गया था, अब आप इसको क्या फैसला मानते हो और किस तरह? देखिए, अध्यापक जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है लेवल वन, जिसमें अध्यापक कक्षा 1 से 5 तक के लिए पढ़ाते हैं, उस संदर्भ में ये मुद्दा था कि इस पद के लिए बीएससी अभ्यर्थी पात्र हैं या बीएड वाले अभ्यर्थी भी पात्र हो सकते हैं। एनसीटी की ओर से तो नोटिफिकेशन था जिसके द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को इस लेवल वन के लिए पात्र माना गया था। उस पात्रता को संबंधित जो नोटिफिकेशन था, अधिसूचना थी, उसको राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उस चुनौती को सुनवाई 3 दिन से चल रही थी, उसमें आज जो फैसला आया है, और वो जो फैसला आया है उस फैसले के द्वारा न्यायालय का ये मत बाहर निकल के आया है कि एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है वो असंवैधानिक है, वो विधि सम्मत नहीं है और उसको न्यायालय ने, खंडपीठ ने रद्द कर दिया है। इसका जो परिणाम है वो ये निकल के आएगा कि केवल जो बीएससी धारी अभ्यर्थी हैं वही इस पद के लिए पात्र रह पाएंगे। जो राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठ के अंतरिम आदेश के द्वारा जो बीएड के अभ्यर्थी जो रिट 2021 के एग्जाम में लेवल वन के लिए जो अपीयर हुए थे, उनका जो रिजल्ट घोषणा को लेकर जो प्रतीक्षा में थे, इस न्यायालय के निर्णय के कारण वो उनका जो एग्जाम में जो बैठे उनका रिजल्ट वगैरह सारा रद्द माना जाएगा और लेवल वन के में जो बीएससी से अभ्यर्थी है जिन्होंने भाग लिया था उन्हीं को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और वो भी भावी परीक्षा के अंदर वो इसमें भाग ले पाएंगे। इसका जो एक महत्वपूर्ण ये अहम इसलिए भी है क्योंकि जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया में लागू हो रहा था, पूरे भारतवर्ष में ये नियम लागू हो चुका था, और उसके परिणाम स्वरूप ये जब जो रद्द हुई है ये ऑल ओवर पूरे भारत के लिए लागू होगा, और उस प्रकार से बीएड के अभ्यर्थी जो है लेवल वन के लिए पूरे भारत में कहीं भी लागू नहीं हो पाएंगे। क्या कह सकते हैं, एक तरह से ये पूरे देश भर में ये जो आज फैसला आया है वो एक नजीर होगा, और इसके साथ में जिस तरह से राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने भी जो पक्ष है वो मजबूती से बीएसटीसी अभ्यर्थियों का रखा था। हाँ, ये बात सही है। जैसे आपने बताया कि बीएसटीसी अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और जो राजस्थान सरकार के जो एडवोकेट जनरल थे उनके द्वारा जो पक्ष है बीएसटीसी के पक्ष में रखा गया था, और उसका कारण ये था कि उनका ये मानना था कि जो बीएड की जो क्वालिफिकेशन है वो लेवल वन के लिए उचित नहीं है, और उन्होंने जो स्टेट को जो पावर्स है क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पावर है कि यदि अविधि सम्मत यदि कोई नोटिफिकेशन होता है तो उसको उसकी पालना करना उचित नहीं है। तो जिस तरह से अदालत ने फैसला दिया है, कहीं न कहीं ये देश भर में जो है नजीर कह सकते हैं कि नजीर बनेगी, क्योंकि इस लेवल की जो परीक्षा है उसको लेकर के बीएसटीसी के जो अभ्यर्थी है वो लगातार मांग कर रहे थे।